हेलो दोस्तों, रत्ने नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्ने या टेल्स, मेरे यूट्यूब चैनल रत्ने व्लॉग्स पे। हम लोग अब बात कर रहे हैं ईयर 1991 की। मेरे भाई ने तब उसका एक अच्छा खासा ग्रुप बना लिया था कॉलोनी में, जिसका नाम उन्होंने रखा था लेदर ग्रुप ऑफ वर्ल्ड कप। तो लेदर ग्रुप क्यों? क्योंकि उन्होंने चमड़ी लोगों का ग्रुप बनाया था, जिसको उन्होंने इंग्लिश में लेदर ग्रुप ऐसे अच्छा नाम दे दिया था। और ये है उनका तब का फोटो। मेरा भाई तभी जॉब पे लग चुका था। उसने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से प्रिंटिंग का डिप्लोमा किया था, तो प्रिंटिंग प्रेस में काम पे जा रहा था। और साथ में उसकी एक बहुत अच्छी हॉबी थी, वो हॉबी थी स्केचिंग की। और डिज्नी के जो उसके फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, जैसे मिकी माउस है, डोनाल्ड डक है, गूफी है, इन सारों के हमारे घर पे स्केचेस बहुत सालों तक थे, क्योंकि वो सारे हमारे भाई ने बनाए थे। और उसकी कुछ की पेंटिंग वो ऑयल पेंट से करता था, और कुछ का कलरिंग वो स्केच पेन से करता था, लेकिन बहुत हुबहू वो सब बनाता था। तो हम लोग भी उससे इंस्पायर होके ड्राइंग्स तो करते थे, लेकिन उसके अलावा हमारी भी कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हॉबीज बन चुकी थी। तो उसमें सबसे पहला तो स्टैम्प कलेक्शन मुझे याद है, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे एज के उस टाइम पे स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे अलग अलग देशों के। और स्टैम्प कलेक्ट करने के बाद बहुत बार एक्सचेंज भी करते थे एक दूसरे से, तो वहाँ पे उनको कॉइन कलेक्शन का भी आदत पड़ गया। तो ये सब चल ही रहा था। और हम लोग साथ में एक चीज़ और करते थे, हम लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए थे। तो सोनू के घर के सामने हमने शुरुआत की, और धीरे धीरे जब ग्रुप बढ़ गया तो बड़े लोगों के साथ हम लोग A14 बिल्डिंग के सामने, रागेश नायर जिसका मैं बात बताऊंगा आपको, उसके घर के सामने हमने खेलना शुरू किया था। मुझे याद है 1991 में साउथ अफ्रीका का जो टीम है वो इंडिया आया था, जो अपार्थिड का लॉज के कारण उनके ऊपर बहुत सालों का बैन लगा था, वो बैन हट गया था। तो इंडिया में आके उन्होंने फ्रीडम सीरीज खेली थी, जो मैंने मेरे नए पड़ोसी सुरेश वायाल के घर पे देखी थी, जो कि साळुंखे के घर पे रहने आए थे। और ये तब का फोटोज है जब मैं गांव चला गया था। ऑब्वियसली ये रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, दीज आर नॉट रियल फोटोज। तो मैं पहली बार मौसी के घर पे साउथ सोलापुर में हाउस में गया था, और वहाँ पे एक बहुत छोटे छोटे गांव थे। वहाँ पे ना तो बिजली आई थी, ना तो पानी का कनेक्शन था, यहाँ तक कि वहाँ पे सड़कें भी नहीं बने थे। ऐसे सड़कें होती थी वहाँ पे, जब भी एसटी स्टैंड पे आती थी तो बहुत सारा धूल उड़ता था। एसटी स्टैंड के बाजू में ही धर्मशाला थी, तो जिसको रहना है वहाँ पे वो धर्मशाला में रह सकता था। और जो घर है उससे थोड़ा सा दूर एक नदी बहती थी, उस नदी में से चल के मेरे मामा उनके खेत पे जाते थे काम करने के लिए, जहाँ पे भी वो जाते थे। तो इस तरीके से पूरा सेटअप था। आप देख सकते हो वहाँ का ये जागृत शिव मंदिर, ये जब भी महाशिवरात्रि होती है तो बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, ये सारे जो फोटोज़ हैं वहाँ के, मैंने ऑब्वियसली फेसबुक से डाउनलोड किए हैं। तो जिनके भी ये फोटोज़ हैं, जिन्होंने भी ये अपलोड किए हैं, सबसे पहले मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। तो ये सब तब की बात है, जब मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे लाइट नहीं था, कुछ नहीं था। आज वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। ये वहाँ का डैम है जहाँ पे उजनी नदी का पानी है उसको रोका जाता है और सोलापुर भेजा जाता है। तो ये उजनी नदी बेसिकली जाके भीमा नदी को मिलती है। हमने तभी मूवीज़ काफ़ी देखे। मेरा ब्लॉग में आप मूवीज़ ही मूवीज़ देखोगे। तो ये होम अलोन है जो हमने रागेश नायर के घर पे देखा था A14 में। होता क्या था कि हम लोग वहाँ पे खेलने के लिए जाते थे, दो बिल्डिंग का बीच में, कभी गोटिया, कभी भावरा या कभी क्रिकेट। तो दो दो रुपया निकाल के हम लोग कैसेट्स लाते थे, उसका घर पे ही VCR था, तो उसमें हम लोग ये देखते थे। इविल डेड हो गया, उसके बाद एक चाइल्ड्स प्ले नाम का था, ये जो हॉरर मूवीज़ है वो हम लोग उसके ही घर पे देखे हैं 1990s में। और उसके बाद जो लास्ट मूवी हमने हॉरर मूवी उसके घर पे देखी थी, उसका नाम था डेमन ऑफ पैराडाइज। ये लास्ट मूवी इसलिए थी क्योंकि इसके बाद हमने हॉरर मूवीज देखना बंद किया, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा सीन आ गया था, एडल्ट सीन, जिसकी वजह से हमको बहुत एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी। वहाँ पे फीमेल्स भी थी, तो
तो खैर हमने डिसाइड किया कि एडल्ट सॉरी हॉरर मूवी नहीं देखनी है, अब हम लोग देखेंगे जो एक्शन पैक्ड मूवीज है वो। तो शुरुआत तो हमने ब्रूसली से की, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सारे के सारे फैन बन गए जैकी चैन के। तो एंटर द ड्रैगन हो या फिस्ट ऑफ फ्यूरी हो, ये मूवीज मुझे आज भी याद है, वो हमने वीसीआर पे ही देखी है। लेकिन जैकी चैन की हमने बहुत सारी मूवीज देखी है, मुझे याद है ड्रंकन मास्टर हमने राजेश के घर पे देखी थी, उसके बाद और एक मूवी उसकी आई थी स्नेक इन द ईगल शैडो, वो हम लोग ने शशांक पराड़े नाम का और एक फ्रेंड था उसका घर पे देखी थी। और ऑब्वियसली ये सब कलेक्शन हम लोग निकाल के मूवीज देखते थे, तो घर से दो दो रुपया मांगना पड़ता था उसके लिए। उसके बाद पुलिस स्टोरी हो या फिर उस समय की जो भी 70s और 80s के जो मूवीज थी जैकी चैन की, वो हम लोग ने 90s में देखी है, क्योंकि हमको वो मिलती थी 90s में उसके कैसेट्स। तो ये अमर ऑफ गॉड है ये दोस्तों, मैं बाद में यूट्यूब पे भी ये सारी उसकी मूवी देखता हूँ, बिकॉज आई लव जैकी चैन। मेरे सबसे पहले फेवरेट हीरो अगर कोई है तो जैकी चैन है। उसके बाद दोस्तों और एक हीरो था स्टंट वाला उस समय, वो था एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसका टर्मिनेटर 1981 का हमने 90s में देखा है, बिकॉज हमारे पास ऑब्वियसली कैसेट तभी आए थे। तो मज़ा आया था, टर्मिनेटर भी हमने जब साथ में देखा था। हिंदी मूवीज़ में भी देखता था, और हिंदी में खूनी पंजा ये फ्लॉप मूवी थी, जो मैंने नीतू और हरीश के घर पे मेरे बिल्डिंग में ही जो ऊपर रहते थे उनके घर पे देखी थी, मुझे आज भी याद है। उसके बाद हम मूवी, सोनू की माँ जो है काकू हम लोग जिनको बुलाते हैं, उनको अमिताभ बच्चन काफ़ी पसंद था, तो अग्निपथ और हम ये सारा मूवी हमने सोनू के घर पे देखी है वीसीआर पे। साजन हमने सोना के घर पे देखी है। मेरे बहनों का जो ग्रुप होता था वो दो दो रुपया निकाल के वो लोग भी मूवीज देखते थे, तो ये साजन का मूवी हमने सोना के घर पे देखा था। उसके बाद 100 डेज, दिस वॉज माई वन ऑफ द फेवरेट मूवी। हम लोग छोटे थे तो हम लोग इससे डरते भी थे, थोड़ा सस्पेंस थे, थ्रिलर है इसमें। तो वो दीवार का जो सीन है जिसमें वो चुनवाता है, तो वो भी है, वो बहुत मेरे को अभी भी याद है। लव ये मूवी तो चला नहीं था, लेकिन मुझे इसके गाने बहुत पसंद है, आज भी मैं साथी या तूने क्या किया सुनता हूँ, क्योंकि मैं एसपी बाला सुब्रमण्यम जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके बाद दिल है के मानतानी, ये भी बहुत अच्छी चली थी, इसका जो गाना था गलयन साकड़ी सोन्याची ही पोरगी कोणाची, ये गाने पे हम लोग ने एनुअल फंक्शन में कॉलोनी के डांस किया था, मुझे आज भी याद है। अजूबा मूवी राकेश के घर पे देखी थी, जैसे मूवी देख के नीचे आए थे हम लोग तलवार लेके, अजूबा अजूबा अजूबा, ऑब्वियसली लकड़ी की तलवार, चिल्ला रहे थे पूरा टाइम। उसके बाद सड़क, ये मूवी मैंने देखी नहीं थी, लेकिन मैंने इसका पोस्टर यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि इसकी मेरे पास ऑडियो कैसेट थी और मैं इसके गाने बहुत सुनता था। उसके अलावा और भी कुछ ऐसे मूवीज थी जैसे लम्हे है, इसकी भी मेरे पास ऑडियो कैसेट थी, क्योंकि मेरे बहनों ने इसके ऊपर एक कॉलोनी में डांस किया था, मोरनी बागा माँ नाचे, काफ़ी फेमस गाना था उस समय का। उसके बाद सौदागर, सौदागर को मैं कैसे नहीं भूल सकता। ऑब्वियसली हम लोग का स्कूल में ILU लिखने वाले बहुत लोग आ गए थे, वो लोग ILU लिखते थे, सज़ा हमको मिलती थी। फूल और कांटे अजय देवगन का डेब्यू फिल्म, काफ़ी ज़बरदस्त एंट्री हुई थी, दो बाइक पे पैर रख के हमने ये भी देखी थी। तो गाइज ये सब तो चल रहा था, दूरदर्शन का जो गोल्डन एरा है वो ख़त्म होने आया था। मुझे याद है 92 के बाद इतनी कुछ खास सीरियल नहीं आई, लेकिन चाणक्य 1991 की बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है। फ्लॉप शो ऑब्वियसली वन ऑफ माई फेवरेट टिल डेट, क्योंकि मैं इसके शोज़ कभी कभी यूट्यूब पे देखता हूँ। और उसके अलावा ये जो टीपू सुल्तान है, इसमें क्या हुआ था कि उनका सेट पे बहुत बड़ी आग लगी थी, उसके बावजूद ये सीरियल उन्होंने की और अच्छी अच्छी सीरियल बनी थी। ये टेली मैच है शायद, तो ये जर्मनी का गेम है जो इंडिया में डब करके दिखाते थे, बहुत मज़ा आता था ये भी देखने, क्योंकि ये यूनिक था, हंसने बहुत आता था देखते देखते। टी एन सेशन जी 1991 90 से लेके 96 तक आई गेस इलेक्शन कमीशन के हेड थे, तो उन्होंने
गठित किया था इलेक्शन कमीशन, और बहुत सारा आचार संहिता और बहुत सारे रूल्स बनाए थे। दोस्तों उस साल का सबसे जो दर्दनाक हादसा था, जो इवेंट था पॉलिटिकल, वो था राजीव गांधी जी का असासिनेशन, जो भारत के प्रांत प्रधान थे पहले, और उनको ऐसे लग रहा था कि ये टाइम भी जो इलेक्शन आने वाला है उसमें वो फिर से इजीली प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये लोग हैं जिन्होंने उनका असासिनेशन किया था, एक ह्यूमन बॉम्ब ने जाके उनके यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया, और वो इसके कहने पे किया था। ये प्रभाकरण है, LTTE का हेड है। LTTE श्रीलंका के साथ उन्होंने सिविल वॉर छेड़ दिया था, तो इंडिया ने तभी इंटरवेन किया था और हमारी आर्मी को वहाँ पे भेजा था। तो इसका गुस्सा LTTE को भी था और सिंहलीज को भी था। तो प्रभाकरण ने बोला और उसका टीम ने राजीव गांधी जी की असासिनेशन कर दी। तो ये वहाँ का जो सीन है, वो साइट है, उस साइट पे ये बांधा गया है। तो उसके बाद सोनिया गांधी जी ने फिर कांग्रेस की कमान संभाली, और आपको आगे की हिस्ट्री तो पता ही है। फिर भी जैसे हमारे ईयर्स आगे बढ़ेंगे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आज का कैसा वीडियो लगा आपको ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।